नमस्कार दोस्तों, इन दिनों लगातार भारतीय जनता पार्टी सांसद वरुण गांधी का दुख बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। वरुण गांधी लगातार मोदी सरकार को, यहाँ तक कि बीजेपी की राज्य सरकारों को भी लगातार आईना दिखा रहे हैं। वरुण गांधी अपनी सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अब एक बार फिर वरुण गांधी ने अपनी सरकार यानी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रधानमंत्री के मुफ्त रेवड़ी वाले उस भाषण पर और इसके बाद बेरोजगारी के दर को लेकर सरकार को घेरा है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की बरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जैसा कि आपको बता दें, लगभग 10 महीने पहले वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद लगातार वरुण गांधी कभी किसानों को लेकर तो कभी युवाओं को लेकर तो कभी लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर लगातार मोदी सरकार और बीजेपी की राज्य सरकार को घेरते आ रहे हैं। पिछले दिनों ही उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि मैं हर साल 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। वरुण गांधी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, साथ ही यह भी कहना चाहता हूँ कि आदरणीय 10 लाख नए नौकरी पैदा करना बात का विषय है। पहले 1 करोड़ जो सरकारी पद खाली पड़े हैं, पहले उनको तो भरने का काम करिए। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि मैं हर साल 10 लाख नौकरी दूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय 10 लाख नए नौकरी पैदा करने तो बाद का विषय है, पहले जो 1 करोड़ सरकार में खाली पद पड़े हैं उनकी भरपाई तो कीजिए। आपको तो दे पीलीभीत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए वरुण गांधी ने यह बात कही थी। वरुण गांधी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर और फ्री रेवड़ी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है। फ्री रेवड़ी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि नियत समझे बिना मुफ्त की रेवड़ी कहना उचित नहीं है। एक अखबार की कटिंग शेयर करते हुए वरुण गांधी ने लिखा कि किसी भी नीति के पीछे सरकार की नियत क्या है, यह समझे बिना उसे मुफ्त की रेवड़ी कहना उचित नहीं है। अमीर गरीब के बीच की खाई पाटने के लिए अगर जन कल्याणकारी राज्य एक वर्ग को विशेष राहत दे तो गलत नहीं है, पर मंशा बस वोट खरीदने की हो तो प्रश्न चिन्ह लगेंगे। जो उन्होंने पेपर की कटिंग शेयर की है, उसमें उन्होंने लंबा चौड़ा इस मुद्दे पर लेख भी लिखा है। वरुण गांधी के इस लेखन में जो मोटी मोटी बात है, उसमें खास तौर पे बताया गया कि यानी वरुण गांधी ने लिखा है कि क्या हमने गरीबी असमानता से निपटना छोड़ दिया है। लिखा गया कि रेवड़ी कल्चर के मुद्दे पर मतदाताओं के साथ भी संवाद चाहिए। मतदाता नीति निर्माताओं से लंबे समय से निराश है कि वे जीवन में वास्तविक सुधार के बदले अल्पकालीन लाभ देने की राह पर बढ़ रहे हैं। बहरहाल इसके साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट किया, जिस पर उन्होंने युवाओं में रोजगार दर को लेकर मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि युवा में रोजगार दर 20.9% से घटकर 10.4% रह गई है। यह पिछले 5 सालों में सबसे न्यूनतम स्तर पर है। वरुण गांधी ने आगे लिखा कि हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने सभी विभागों से खाली पड़े 10 लाख पदों को भरने का आग्रह किया, पर अब तक कोई भी विभाग ठोस कार्य योजना नहीं बना सका। उन्होंने सवाल किया कि संघर्षशील युवा कब तक इंतजार करेगा। हालांकि यह पहला मौका नहीं है, वरुण गांधी को जब भी मौका मिलता है तब वो सरकार की नीतियों पर घेरने का काम करते हैं।